वालेकुम फ्रेंड्स आई एम तहसीन अहमद अवान एंड यूट्यूब आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ईवो चार्जी की यूजेज कैसे चेक कर सकते हैं आप घर बैठकर अपने अपने ईवो चार्जी की डेटा चेक कर सकते हैं कि आपका पैकेज कितना यूज हो चुका है और कितना बाकी रह चुका है उसके लिए आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रूम में चले जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है पी टी सी एल साइन अप यहाँ आपने पी टी सी एल रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अप का पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी आपने ये यहाँ पर पुट करनी है जैसे नेम सी एन आई सी नंबर वगैरह और मोबाइल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपने वही मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करना है जिसके ऊपर आपकी ईवो डिवाइस रजिस्टर्ड है बहुत टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर, पर यह आपने अगर आपकी ईवो चार्जी आपके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है तो आपने अपने भाई का ही मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट करना है या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पहले अपनी ईवो डिवाइस को अपने नाम के ऊपर कन्वर्ट कर लें ठीक है उसके लिए आपको फ्रेंचाइज पे जाना होगा पी की और उन्हें कहना होगा कि मैं डिवाइस को अपने नाम पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद ही आप अपना नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपने माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ई एड्रेस और पासवर्ड पुट करना है और सेम पासवर्ड और ई मेल आपने पुट करना है जो आपने अभी अकाउंट क्रिएट करने टाइम डाला था ठीक है उसके बाद आपने लॉग के बटन के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यू एक पेज डिस्प्ले होगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास इन फीचर्स के ऊपर नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा इनशाला अगर अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं ठीक है आप बिल पेमेंट भी चेक कर सकते हैं अपने लैंडलाइन फोन का और बहुत सारे ऑप्शन हैं आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं मेन फीचर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आज मैं यूजेज आपको बता रहा हूँ तो मैं यूजेज इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेज शो हो रही हैं तो करंटली मैं ईवो वो यूज़ कर रहा हूँ कि मैं ईवो वो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ईवो वो चार्जी के ऊपर क्लिक करने के बाद एक नया पेज मेरे सामने डिस्प्ले होगा यहाँ पर मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं मैं किसी फ्रेंड की ईवो डिवाइस का भी जो यूज़ेज है वो भी चेक कर सकता हूँ उस उसकी एम डी एन नंबर वगैरह यहाँ पर पुट करके ठीक है तो फिलहाल मैं अपनी ही डिवाइस की यूजर चेक करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे एम डी एन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ऑलरेडी जो मेरे नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है ठीक है मुझे यहाँ पर एम डी एन नंबर पुट करने की ज़रूरत नहीं है मैंने क्या करना है जस्ट इनिशियल और फाइनल डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है वो वाली डेट जब मैंने पैकेज करवाया था और आज की डेट यानी कि वो वाली दो डेट्स जिन के दरमियान मैं यूजेज चेक करना चाहता हूं और सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा ठीक है सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुकम्मल डिटेल मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगी जो मेरी चार्जी यूजेज है ठीक है वो कब कब यूज हुई है और कितना डेटा बाकी रह चुका है वो सारी डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है आई होप You like my video and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.